मेरा नाम रूप सिंह है। मैं हथेली संस्थान 1994 से कार्य कर रहा हूँ और हथेली संस्थान का रजिस्ट्रेशन 1992 में हुआ था। 1974 से 1992 तक पहले इसको क्राफ्ट सेक्शन के नाम से जाना जाता था। अभी ये संस्था करीब 4 जिलों में काम कर रही है। हमारी संस्था बाड़मेर जिले में भी हमारे एक 150 दस्तकार है और 250 दस्तकार हमारे यहाँ पे हैं, जो कि हमारी दस्तकार काम लेने के लिए से नागौर जिला से आते हैं। बाड़मेर जिला में है हमारी एक संस्था, वहाँ पे है, और अजमेर जिला और जयपुर जिले से। कटिंग करने वाले 5 आदमी हैं और 1-2-3 चेकिंग करने वाले हैं, तो हम सब मिलके कटिंग करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, आगे आगे अलग अलग जैसे ऑर्डर आता है तो हम सब विचार करके बैठ के करते हैं कि इसको कितने दिन में काम को आगे करना है। मेरा मुख्य रूप से काम ऑर्डर हैंडलिंग का है, तो साथ ही में हम लोग सभी निर्णय सभी काम मिलके करते हैं, जो सामूहिकता से हम लोग भागीदारी लेते हैं। और अभी हमारे अतली संस्थान में 3 यूनिट है। एक तो हैंडलूम यूनिट है, जिसमें हैंडलूम में वीविंग का कार्य बनाना, और कबाड़ से जुगाड़ है, उसमें भी जैसे वेस्ट मेटेरियल उसको कैसे वापस यूज में लेना। टॉय सेक्शन है, उसमें भी जैसे एजुकेशन के टॉय बनाना, अलग अलग चीज़ें बनाना है। हमें हथेली से काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमें ऑर्डर मिलता है, हमें जिसमें कि आपको हेलमेट डायरी बनानी है, या हेड प्लेन पेपर की डायरी बनानी है, या फोटो फ्रेम बनाने हैं, या आपको कुछ बुक बाइंडिंग करनी है। अभी बोला कि लाइन का कपड़ा बनाना, तो लाइन का चालू कर दिया। सफ़ेद का ऑर्डर दे तो सफ़ेद माल बना दो। दरी छोटे आसन का दे ऑर्डर, छोटा आसन बना दो। बड़ी दरी का दे तो बड़ी दरी का बना दो। हाथ से ही बनता है, इसकी सराई भी हाथ से होती है, तो ताना बनाने भी हाथ में ही होता है। तो ये पूरा काम हमारा तो मेहनत का ही काम है। हम यहाँ इस यूनिट में लकड़ी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब बनाते हैं। जैसे लकड़ी का टेबल है, लकड़ी का मेज है, स्टूल है, कुर्सी है। अभी हथेली में आने के बाद में हम पीड़ा कुर्सी और जैसे ट्रे सेट है, वॉल सेल्फ होते हैं वो बनाते हैं, प्लेट होल्डर है वो बनाते हैं। लकड़ी के जितने भी आइटम बनते हैं वो सारा हम यहाँ पे तैयार करते हैं पूरा। हम जो भी दस्तकार से जो भी चीज़ें बनाते हैं, वस्तुएं, वो हम तिलोनी बाज़ार के नाम से सेल करते हैं। हथेली संस्थान का मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दस्तकारों को हम काम दें और उनको आगे बढ़ाएँ।